मार्च 2019 के एंड में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को लॉसेज झेलने पड़े थे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज थी जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी, जिनमें से एक है एडटेक। एडटेक इंडस्ट्री इसलिए ग्रो हुई क्योंकि भैया कॉलेज इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ें जो है बंद थी, हर एक चीज़ ऑनलाइन के ऊपर जा रहे थे, कस्टमर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेना पसंद कर रहे थे घर में बैठे बैठे। उसी सेगमेंट के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है टॉपर, जिसने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ की। इवन उसकी जो पेड यूज़र्स की जो ग्रोथ है वो हर मंथली 100% से भी ज़्यादा की पाई गई है। उसके जो यूज़र बेस है वो लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। राइट, जब पूरा लॉकडाउन लग गया था तो सारी एडटेक कंपनियां जो थी वो ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ ऐड नहीं कर रही थी बल्कि उनको काफ़ी अच्छे से यूजर्स भी मिल रहे थे, जिसमें से एक था टॉपर। टॉपर ने काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया। टॉपर का बिजनेस मॉडल क्या है, टॉपर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, टॉपर की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ऋषि टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। शुरुआत करते हैं भैया टॉपर के अबाउट सेक्शन से। देखो टॉपर जो है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। टॉपर की शुरुआत की थी जिशान हयात ने और हेमंत गुलाटी ने। अब सीधा चलते हैं बिजनेस मॉडल की ओर। देखो जो टॉपर का जो बिजनेस मॉडल है ना वो है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, यानी कि पहले थोड़ा फ्री दो उसके बाद में प्रीमियम के लिए चार्ज करो। टॉपर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों के लिए थोड़े से फ्री में कोर्सेज देता है, फ्री में वीडियोस देता है, फ्री में सेशंस देता है, फ्री में सम टेस्ट देता है। उसके बाद में अगर उसे और भी सीखना होगा तो उसे वही और भी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा मतलब कि डाउट क्वेश्चन वाला होता है, राइट, कोई भी और एक्स्ट्रा फीचर्स अगर उसे चाहिए होंगे तो उसे जो है अल्टीमेटली टॉपर की जो सब्सक्रिप्शन है वो लेनी पड़ेगी, राइट। ये उसका फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है। उसके बाद में अगर हम आगे आते हैं तो ये तो भैया सिंपल है, सारे एडटेक वाले जो है वो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के अंदर ही काम करते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वो है कि भैया उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी। अब उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, देखो उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी है ना वो बड़ी सिंपल है। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, जब सारे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद हो चुके थे और सारे बड़े बड़े एडटेक कंपनीज अपने अपने ऐड ले रही थी अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, तो टॉपर ने देखा कि आखिर हम ऐसा क्या करें ताकि हम जो है वो अपने कस्टमर को इनसे ज़्यादा तरीके से एक्वायर कर सकें। तो उन्होंने एक गेम खेल दी। गेम ये कि उन्होंने ये कहा कि भैया देखो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन सारे स्टूडेंट्स को फ्री लाइव क्लासेस देंगे, प्लस वो हमारे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स का वीडियो सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्री में जब तक स्कूल वगैरह जो है वो बंद है। इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से काफ़ी हेविली लोगों ने उसके ऊपर शिफ्ट किया। टॉपर का जो पहला प्री कोविड जो यूज़र बेस था वो लगभग 15 मिलियन के आसपास था, लेकिन जब पोस्ट कोविड यूज़र बेस देखा गया वो लगभग 32 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था, जो कि काफ़ी अनब्रेकेबल है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भैया उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूज़ का भंडार खोल दिया, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, क्योंकि उस समय के अंदर जो लाइव क्लासेस वगैरह होते थे वो जूम वगैरह पे होते थे, बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, तो टॉपर के पास अच्छा क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल था, उसने डायरेक्टली फ्री कर दिया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि उसकी पेड यूज़र की ग्रोथ में 100% ग्रोथ रेट देखी गई। अब वो भी इसलिए दी गई क्योंकि वहाँ पे उसने इस्तेमाल की थी भैया प्रोडक्ट पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी का, यानी कि वहाँ पे उसने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके प्रोडक्ट तो क्वालिटी थे ही, लेकिन उसने आपके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा घटा दी। अगर मैं एकदम वेदांतु से कंपेयर करूँ तो वेदांतु की अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की अगर कोचिंग फ़ी की मैं अगर मैं बात करूँ तो वो लगभग 49,000 के आसपास आती है। वही अगर मैं टॉपर की फ़ीस की बात करूँ तो वो लगभग 20,000 के आसपास की आती है। उसी के साथ साथ टॉपर ने मंथली छोटे छोटे पैकेजेस भी तैयार किए, जिसकी शुरुआत 3,000 से लेके 6,000 तक की होती थी, जिसके वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया टॉपर के साथ जुड़ना और उनकी पेड सर्विसेज को लेना, यानी कि बच्चों ने, जो कि उसकी टारगेटेड ऑडियंस थी, जो उसे काफ़ी सस्ता भी मिल रहा था और क्वालिटी कंटेंट भी मिल रहा था। तो इसे कहते हैं भैया प्रोडक्ट पेंट्रेशन। आप प्रोडक्ट के अंदर इतनी वैल्यू दो, उसको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दो, बाद में आपके पास कस्टमर का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा जिससे आप काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हो, राइट, सिंपल। इसे आप एक तरीके से प्राइस पेंट्रेशन भी कह सकते हो, हल्का सा प्राइस पेंट्रेशन के अंदर जो है वो
ऐसा होता है कि आप उस लेवल पे लेके आओ जिस लेवल पे कोई भी दे नहीं पा रहा हो और ना ही दे सकता हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर सिनारियो की, तो वेदांतो भी जो है वो अपनी कॉस्टिंग जो है वो बड़े आराम से कम कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैंने इसे कहा एक प्रोडक्ट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया गया। अब बारी आती है ये जानने की कि भैया उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। देखो, इसके पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर टॉपर की जो है वो टारगेटेड ऑडियंस क्या है। टॉपर की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है भैया स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनकी उम्र जो है वो 11 साल से लेके लगभग 18 साल के बीच तक है। अगर इन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो कैंपेन ऐसी बनानी पड़ेगी जो एक्चुअल में इनको कनेक्ट कर सके, जो इनको फील हो सके, ऐसी ही कैंपेन इनको बनानी चाहिए। फिर उन्होंने एक कैंपेन बनाई, कैंपेन ये कि उस कैंपेन के अंदर सारे के सारे जो बच्चे थे उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट वेंचर को जो है वो हर एक चीज़ समझ में आती थी, लेकिन वही बात अगर मैं लास्ट वेंचर की बोलूँ तो उनको कोई समझ में नहीं आती थी, वो बस मुंडी हिला के बैठ जाते थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव है। कनेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम सब भी एक जर्मन एक स्कूल में रह चुके हैं, हम सब जानते हैं कि टीचर की जो पढ़ाने की मेथड होती है वो एक ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास में सारे बच्चों को समझ में आए। कुछ बच्चों को समझ में आती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को अपने ऐड के अंदर जब टॉपर ने दिखाया तो वो बच्चों को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट किया। उसके बाद में टॉपर आता है कि भैया देखो, टॉपर के ऊपर आपको पर्सनलाइज ऐप और सॉरी पर्सनलाइज वीडियो कंटेंट मिलेगा, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस आप काफ़ी अच्छे से आपके डाउट भी पूछ सकते हो, जिसको वजह से आपके जो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप जो है वो एग्ज़ाम में टॉपर बन जाओगे। तो ये जो ऐड कैंपेन था ये काफ़ी ज़बरदस्त ऐड कैंपेन था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चला था। उसके बाद में उसने और एक ऐड कैंपेन चालू किया था जो अभी लेटेस्ट ही था। उस ऐड कैंपेन के अंदर उन्होंने लगभग उन बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की जो लगभग 10th और 12th के बीच में हो गए। देखो, अब 10th और 12th की मैंने इसलिए बात की क्योंकि वहाँ से जो उन्होंने सिनेरियो उठाया, उस सिनेरियो के अंदर बच्चे आते हैं। एक बच्चा कहता है कि भैया मुझे जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं अच्छा लगे, एकदम जो है मुझे एकदम गड़बड़ सा गया, अच्छा नहीं लगा, सब गूगली था, सब ये था, राइट। जैसे हम कभी डिस्कस करते हैं हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल के अंदर कि भैया पेपर कैसा गया वगैरह वगैरह, वैसे एक लड़की आती है वो कहती है कि भैया उसको जो है पेपर एक नंबर अच्छा गया। तो वो आदमी पूछता है कि अच्छा इतना अच्छा पेपर गया, इसका मतलब अच्छी कोचिंग लगाई होगी। तो वो पूछ लेता है कि भैया कौन सी कोचिंग लगाई। तो वो औरत बोल देती है कि भैया मैंने कोई कोचिंग तो नहीं लगाई, मैंने तो टॉपर करवा दिया और देखो टॉप कर दी। तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। कनेक्शन कहाँ पे कि भैया देखो, तुमको अगर टॉपर पे आ जाओ ना, तुम टॉप जरूर करोगे, उनको एक उम्मीद दी जा रही है, राइट, कि तुमको अच्छे से समझाया जाएगा टॉपर के ऊपर। ये जो होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ें होती है, ये एक्चुअल में कनेक्ट कर जाती है। ये हमें नहीं लगता है कि ये कनेक्ट करेंगी इस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। अगर आप एक स्टूडेंट हो गए तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये चीज़ जो है वो कनेक्टेड है, और आप भी उसी चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।